हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। अभी तक हमने पढ़ा था 7 चैप्टर में इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और फिर पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट होती है उसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या निकालेंगे बेटा हम? एरिया। एरिया किसका निकालेंगे? बाउंडेड बाय द कर्व। कोई कर्व दे रखा होगा आपको, फाइंड द, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा बेटा हमें क्या निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द एरिया। कोई कर्व आपको दे दिया जाएगा बाउंडेड बाय द कर्व। ये एक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वाई की फॉर्म में भी हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाई की फॉर्म में दे रखा बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लिमिट। लिमिट आपको देंगे कभी एक्स की फॉर्म में, ये आपको लाइन दे दी गई है, एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एक्स एक्सिस। क्या दे रखा बेटा? एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपने 11th में पढ़े ही होंगे बेटा, ये क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। आपको निकालना एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। अब सबसे पहले तो ये सोचो बेटा ये किसकी इक्वेशन है। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन मिलेगी आपने क्या लिखना है, ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग किसके है बेटा, x एक्सिस के है y एक्सिस के है? अलोंग x एक्सिस, जहां पर सिंगल पावर होगी। दो वेरिएबल आपको नजर आएंगे, जो सिंगल पावर होगी वो इसको पेपर में ऐसे भी लिख सकता है बेटा, कभी आप सोचो ये चेंज हो गया है। ये आपकी सिंगल पावर, वो इस तरफ भी दे सकता है, राइट में भी दे सकता है, लेफ्ट में भी दे सकता है। आपने देखना सिंगल पावर कहाँ है, जहां सिंगल पावर है उसके अलोंग वो पैराबोला लाई कर रहा है। तीन ही फॉर्म आएंगी आपके पास, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल की। तो ये पैराबोला आपको पता है बेटा ऐसे बनता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये पैराबोला हमने कैसे बनाया, इसके लिए आप सबसे पहले इसकी टेबल बनाओगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसके लिए क्या बनाओगे बेटा? टेबल बनाओगे एक्स वाई। आप देखो यहाँ पर x रखोगे 0 तो y भी क्या आएगा? 0। x रखोगे बेटा आप 1 तो y भी क्या आएगा आपका? प्लस माइनस 1 आएगा, ऐसे आएगा ये आपका प्लस माइनस 1। आप देखो बेटा यहाँ पर होता आपका 0 0, सबको पता है। आप ग्राफ सही बनाओगे तो 2 मार्क्स आपके ग्राफ के होते हैं। इसमें आपको पेपर में दो ग्राफ अटैच मिलेंगे, जिसमें एक पेज पर आपने 8 चैप्टर का ग्राफ बनाना है और एक पेज पर आपने 12 चैप्टर का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ के आपके 2-2 मार्क्स होते हैं दोनों चैप्टर में, इसलिए इसको जरा ध्यान से बनाना बेटा। इसके अकॉर्डिंग पहले आप टेबल बनाओगे और फिर ये ग्राफ पेपर पे बनाओगे। अब ये 0 0 आपने यहाँ डाल दिया, वाई भी 1 है, प्लस भी है, माइनस भी है, यानी कि ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, और एक्स कितना है? 1 है। यहाँ पर सोचो एक्स 1 है तो ये आपका यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपने ये लाइन पास करनी है। इस तरह से आप चाहो तो एक पॉइंट और ले सकते हो, ये आपका ऐसे पैराबोला इसमें से पास हो गया। अब इसको आप लिखोगे यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है सबको पता है, और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। यहाँ पर आप लिखोगे वाई और यहाँ पर लिखोगे y डैश। क्लियर है बेटा? पहले ग्राफ इससे बनाओगे। अब इसमें आपको दे रखा है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, टू लाइंस गिवन है। तो x इक्वल टू 1 में से एक लाइन पास करनी है, और x इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा बेटा आपका? थोड़ा सा आगे चला जाएगा ये
अभी तो हम इसी पे कर लेंगे। आप जब ग्राफ पेपर ले रहे होगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा। x इक्वल टू 4 में से आपने ये लाइन पास करनी है, ठीक है बेटा। x इक्वल टू 1 थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, तो ये आपका है x इक्वल टू 1। अब ये हो गया आपका x इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। ये 1 और ये है 4, ये इसकी लाइन हमने पास करी है x इक्वल टू 4 की, और ये पास करी है x इक्वल टू 1 की। इसमें भी आप पैरों लगा सकते हो। अब इसमें क्या निकालना है हमने, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व है आपका एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। दिख रहा है बेटा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो ये हमें एरिया निकालना एंड एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस इसके अलोंग भी है, इसके अलोंग भी है, लेकिन उसने क्या कहा है, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें बेटा यही रीजन निकालना है, ये वाला रीजन निकालना है, एरिया बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है बेटा, घिरा हुआ वो क्षेत्र। ये रीजन मीन क्या होता है, रीजन होता है क्षेत्र। ये क्षेत्र जो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, इस कर्व से। कर्व कौन कौन सा है बेटा, एक तो पैराबोला का कर्व है और ये हमारे पास है लाइंस। तो इनके बीच में जो रीजन आया है उसका हमें एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्षेत्रफल निकालने के लिए जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस एरिया का निकालना है, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेटा इस बात को ध्यान से देखो, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। तो ये रीजन आपका आया है और इसमें जो एरिया बाउंड हो रहा है, ये बाउंडेड, बाउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, ये एरिया आपको फाइंड करना। आप ये क्यों नहीं फाइंड कर रहे, क्योंकि उसमें कहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता बेटा, तो जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे उसमें आगे 2 लग जाएगा। अब लिमिट देखो ऐसे लगती है, फर्स्ट टू 4, आपको लिमिट गिवन है x की फॉर्म में, तो ये लिमिट लगा देते हैं हम। जब लिमिट x की है तो ये y की फॉर्म में आएगा, और अब इसमें y की वैल्यू डाली जाएगी बेटा। y कितना आ गया यहाँ से, अंडर रूट x, तो यहाँ पर हम डालेंगे अंडर रूट x। अब ये 2 कब आता, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देते। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया तो 2 नहीं आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि देखो आप x इक्वल टू 1 और 4 खींचने से आपका ये एरिया भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया तो इसलिए इस एरिया को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सिंगल y लेना आपने, अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे तो आपने यहाँ पर 2 लेना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है। अब ये क्या है आपका, एरिया है, तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या एरिया ऑफ द रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये एरिया को आप ए से डिनोट कर सकते हो, y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है बेटा, जो कर्व आपको गिवन होगा 1 to 4, ये आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर y एक्सिस हो सकता है बेटा और यहाँ पर y की लिमिट हो सकती है, तो हम उसको लिखेंगे x डी वाई। अगर हमारी x में लिमिट है तो y dx आएगा, और अगर y की लिमिट है तो x dy आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। अब इसमें क्या करोगे आप, अंडर रूट x में यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना आता है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है x 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाती है, 1 ऐड हो जाता है और वही नीचे आ जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर जो पावर है वो लग जाती है। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पर, x की 3/2, और इसको जाके उलट दोगे आप जो नीचे आया हमारा 3/2, ये हो गया आपका 2/3, इसके ऊपर लिमिट लगा दीजिए 1 to 4।
ठीक है बेटा, समझ में आया ये? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कर्व को लिखना है। उसके लिए आपने ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बनानी है। लाइन आपको डायरेक्ट गिवन है, ये आप इसमें से पास कर सकते हो बेटा। इसके बाद आपने देखना है कौन सा रीजन मुझे लेना है, ये दोनों लेने हैं या सिंगल लेना है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है तो ऊपर ऊपर वाला लेंगे, अगर वो कुछ नहीं कहता यहाँ पर तो हम यहाँ पर दो लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है बेटा। और लिमिट हमेशा लोअर टू अपर चलती है, नीचे कम लिमिट आएगी ऊपर ज़्यादा आएगी। और यहाँ पर अगर x की लिमिट है तो y dx आएगा, अगर y की लिमिट है तो x dy आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर y की वैल्यू पुट की हमने, इसको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना आता होगा बेटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, 2/3 और इसमें ऊपर से लिमिट डालेंगे 4 की 3/2 माइनस 1 की 3/2, ठीक है बेटा, 1 की 3/2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये 4 की 3/2 का क्या मतलब है बेटा, 4 की 3/2 का मतलब है 4 के ऊपर पावर 3, यानी कि 4 क्यूब, 4 क्यूब होता है 64, और उसके बाद 1/2, 1/2 का मतलब क्या, रूट, रूट मतलब 64 का रूट कितना आया, 8। तो ये आ गया आपके पास 8 माइनस 1, 1 के ऊपर तो कुछ भी हो बेटा वही रहेगा, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7, तो 7 2 14/3। और यहाँ आपको स्क्वेयर यूनिट लिखना है लास्ट में, एरिया में आपको पूरे चैप्टर में क्या लिखना बेटा, स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। अब क्या करें बेटा हम, समझ में आ गया आपको, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर 2/3, 4 के ऊपर 3/2 माइनस 1 के ऊपर 3/2, तो 2/3 × 8 − 1 कितना हो गया, 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, समझ में आ गया बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो बेटा आपके वही बिल्कुल सेम है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स दिया था, इसमें वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9x दिया है, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 4 लिमिट है, एक्स एक्सिस है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप फाइंड कर सकते हो अपने आप, कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो ये आप अपने आप करेंगे, जब तक आप अपने आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा आप पेपर में नहीं कर सकते, तो इसलिए ट्राई करना है आपको। हर जो भी मैं टाइप समझाती हूँ उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको आप जरूर से जरूर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है बेटा, इसमें वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 4 एंड द वाई एक्सिस। अब ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो वाई की लिमिट दे दी और वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाकी सारी चीजें सेम है बेटा। वो एक्स आपको जो फंक्शन दिया है वो भी उसी फॉर्म में है, यहां देख रहे हो पैराबोला फॉर्म में है, लेकिन ये अलोंग एक्स एक्सिस था, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला तो है लेकिन इसकी एक्सिस चेंज हो गई है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप लिखोगे दिस इज द, ये आपको जरूर लिखना है बेटा, मार्क्स मिलता है इसका भी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है फिर भी आपको लिखना है अलोंग वाई एक्सिस। इसके बाद मैंने आपको बताया फटाफट से टेबल तैयार कीजिए, ग्राफ पेपर बना, आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचना है, तो यहाँ पर आप एक्स वाई, एक्स की वैल्यू डालिए, वाई भी जीरो आएगा, देखो एक्स जीरो, यहाँ पर वाई जीरो डालोगे तो एक्स भी जीरो हो जाएगा। अब वाई को यदि आप 1 डालते हो तो एक्स क्या आएगा आपका, प्लस माइनस 2, दिख रहा है बेटा, 1 डालोगे 4 × 1 = 4 और यहाँ स्क्वायर का यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 आ गया आपका,
अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए कैसे आएगा बेटा। ये आपका एलोंग वाई एक्सिस है तो ये ऐसे बनता है, पता होगा बेटा, इलेवेंथ में करी थी। फोर टाइप आपने पैराबोला की, वही टाइप आपकी चल रही है। अब देखो इसमें जीरो जीरो पे तो आएगा ही आएगा। ये आपका है एक्स प्लस माइनस टू, यानी कि यहां से प्लस ये टू है और यहां पर ये टू है और ये वाई हमारा है यहां पर वन। तो ये हमारा पॉइंट बन गया टू वन, यहां से आप लगा सकते हो, और ये है हमारा माइनस टू वन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सीधा लेना इसको यहां पर। ये आपका बन गया, यहां पर एक्स है टू, वाई है वन और यहां है माइनस टू और वन। समझ में आ रहा बेटा? अब आपको दे रखा है वाई इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फोर। तो y जो है आप 2 सपोज करो यहां पर आ रहा है आपका, और 4 आपका यहां पर आ रहा है, दिख रहा है बेटा? जब आप ग्राफ पेपर पे खींचोगे तो ग्राफ में तो आपको लाइनें डायरेक्ट नजर आएंगी, तो आप कर सकते हो वहीं पे सही सही कर सकते हो। अब यहां तो बेटा क्या हो रहा है, आपका पॉइंट क्या हो रहा है, एकदम से एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आपका ग्राफ पेपर जब आपके पास होगा तो वहां पर आपका पॉइंट एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ये आपका सपोज करो यहां पर आ रहा है वाई इक्वल टू टू और ये है वाई इक्वल टू फोर। ठीक है बेटा, यहां पर सबसे पहले आप लिख दोगे मिलते ही पेपर को, क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर लिखोगे वाई इक्वल टू फोर, यहां पर एक्स डैश, सॉरी बेटा, यहां पर वाई, वाई यहां लिखोगे, यहां वाई डैश, ये आपने लिखना, ये तो आपको आता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसके बाद आपने ये लाइनें खींचनी है। अब इसमें आपको वही निकालना है बेटा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहीं पर है, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, ये आपको रीजन निकालना है। तो इसका अब आप कैसे निकालोगे, वही आपको ए लिखना है, यहां लिखोगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहां पर आपको लिमिट डालनी है बेटा 2 to 4। मैंने आपको बताया यहां पर वाई की लिमिट है, तो आप यहां पर एक्स डी वाई लिखेंगे और एक्स की लिमिट है तो वाई डी एक्स लिखेंगे। अब इसमें देखो बेटा आपको क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से देखो 2 root y। ठीक है, 2 root y dy, 2 to 4 लिमिट दे रखी है, गिवन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूं। आप देखो 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, दिख रहा है आपको, y को कैलकुलेट करना है, वही पिछली बार की तरह होएगा, y की 3/2 हो जाएगा और नीचे वाला 2/3 हो जाएगा। इसके ऊपर आपको लिमिट डालनी है 2 to 4। ठीक है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 4/3, ये आप 4 की 3/2 आया और माइनस 2 के ऊपर 3/2 आया। माइनस आपको बताया गया लोअर लिमिट के लिए लगता है, पहले माइनस लगाओगे। अब देखो बेटा 4 की 3/2, अभी बताया था आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में, 4 की 3 मतलब 4 का क्यूब, क्यूब कितना होता है 64 और इसके ऊपर 1/2 तो मतलब रूट, तो रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 64 का। अब ये देखो 2 के ऊपर पावर 3 मतलब 2 का क्यूब 8 आया बेटा, उसका रूट करना है। अब 8 का रूट आपको पता होगा बेटा कैसे करते हो, 2 2 4, यहां पर 4 आएगा, फिर 2 2 लगाओगे, अब 2 1 जा, तो देखो ये बन रहा है पूरा, तो इसको आप 2 निकाल दोगे और ये आप इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसको एज इट इज रखोगे 2 root 2। ये आपका आंसर बन गया बेटा। आप इसको क्या लिखोगे, स्केयर यूनिट में, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 8 जा 32, 4 2 8 और बाय में 3 लिख सकते हो। यहां पर स्केयर यूनिट जरूर डालना बेटा,
क्लियर है कैसे करा है मैंने क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये लिखोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जिसकी भी होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो सकती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सकती है, वो आपको पहचान होनी चाहिए बेटा। जहां पर सिंगल पावर होती है, सिंगल पावर आपकी इस तरफ भी दे सकता है, वो इस तरफ भी, इसको उल्टा भी लिख सकता है। तो आपने देखना जहां सिंगल पावर है उसके अलोंग होती है ये, और यहाँ पर फटाफट से टेबल बनाएंगे इसकी और आप ये ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फिर एरिया लिखना है, एरिया कौन सा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर सिंगल आएगा, अगर फर्स्ट नहीं लिखा तो यहाँ पर टू कर दिख रहे हैं आपको, टू रीजन बन जाएंगे तो यहाँ पर टू लग जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब आपको ये इलिप्स दे रखा है, आपको ये पहचान करना है ये कौन सी एक्सिस के अलोंग है। देखो बेटा, जहां पर बड़ा लिखा होता है वही एक्सिस इसकी होती है। ये है आपका एक्स के नीचे बड़ा है, वाई के नीचे छोटा लिखा हुआ है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस किसकी है, इसकी अलोंग एक्स एक्सिस है। तो कैसे बनता है ये देखो बेटा, आपको पहले भी बताया मैंने, फटाफट से टेबल तैयार करेंगे। अब यहां पर देखो हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ इलिप्स में आप ऐसे लिखोगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। जब आप इसको जीरो पुट करोगे, ये पूरा जीरो हो गया बेटा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन बचा, तो वाई क्या आएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, ठीक है बेटा। ये पुट एक्स इक्वल टू जीरो गिव्स वाई इक्वल टू, इस तरह से पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस फोर। देखो ये जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बन गया, तो एक्स कितना आया बेटा, प्लस माइनस फोर, ठीक है। अब इसका ये ग्राफ यहीं से दिख रहा है आपको बेटा, पॉइंट रखने से आपका आ गया यहां पर एक्स वाई, एक्स को जीरो रखा तो वाई क्या आया, प्लस माइनस थ्री आया, और y को जीरो रखा तो x क्या आया, प्लस माइनस फोर आया। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, देखो यहां पर जीरो जीरो तो है ही आपका। अब यहां देखो इस पॉइंट को जीरो के साथ आपको लगाना है प्लस थ्री, तो कैसे लगाओगे, जीरो के साथ प्लस थ्री और जीरो के साथ माइनस थ्री, ठीक है बेटा। अब y का दिख रहा है आपको यहां पर प्लस थ्री और यहां पर माइनस थ्री, ये हो गया आपका थ्री और ये हो गया माइनस थ्री। तो पहले किसका पॉइंट डालते हैं, एक्स का, तो इसको हम लिखेंगे जीरो थ्री, इसको लिखेंगे जीरो माइनस थ्री, ठीक है बेटा। अब है वाई जीरो है आपका और एक्स है प्लस माइनस फोर, इधर सपोज करो ये है आपका प्लस का फोर, ये है माइनस का फोर, तो एक्स y आपने डालना है जीरो। तो ध्यान रखना बेटा, y को हमेशा बाद में लिखा जाता है और x को हमेशा पहले लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट आपका पहले होता है, ठीक है बेटा। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इलिप्स बनाना आता होगा बेटा, इलिप्स की तरह हमने इसको बनाना है और सही आपका पॉइंट में से पास होना चाहिए। अभी तो हम ऐसे रफली बना रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आपका बन गया इलिप्स, थोड़ा सा हमारा वैसे बन गया है, लेकिन देखो एग्जैक्टली ये आपका ऐसे बनता है, पता है ना बेटा, ये है आपका इलिप्स। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग, अब भी यहाँ हमारे पॉइंट एकदम एग्जैक्ट नहीं है, तो ऐसा बन रहा है जब आप पॉइंट लोगे ग्राफ पेपर पे तो एकदम सही बनेगा। अब हमने निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब आपको दिख रहे हैं बेटा फोर पार्ट्स दिख रहे हैं, सारे बाउंड हो रहे हैं, ये फोर के फोर पार्ट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या जरूरत है, क्योंकि एक ही पार्ट जैसे बाकी के चारों पार्ट है ना, ये चारों पार्ट सेम है, तो अगर हम एक पार्ट निकालें तो उसको फोर से मल्टीप्लाई करें तो पूरा रीजन हमारा जो ये है उसका एरिया कवर्ड हो जाएगा। अब इस रीजन के लिए हम एक पार्ट का निकाल लेते हैं बेटा, इस क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में सेम आता है एरिया। आप कहोगे ये लोअर में है, यहाँ माइनस आएगा, एरिया कभी माइनस में नहीं होता, ये पड़ा हुआ बेटा
स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से, तो हम क्या करेंगे अब इसमें, एरिया बाउंडेड बाय द, या एरिया ऑफ द रीजन लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसको एरिया को ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब लिमिट आपको एक्स की लेनी होती है 0 to 4, यहां तक कवर कर रहे हैं बेटा, 0 से 4 तक, ठीक है। अधिकतर हम एक्स एक्सिस, अगर आपको लिमिट गिवन है तो वाई में भी हो सकती है, एक्स में भी, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप एक्स एक्सिस की ही लेते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से इजी पड़ेगा आपको, 0 to 4 है बेटा। अब y की वैल्यू यहां पर आपको बताई थी, x की लिमिट है तो यहां पर y dx लिखना है, और यहां से आप y कैलकुलेट करोगे। जब आप y कैलकुलेट करोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, देखो ये ध्यान से देखना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलिप्स और सर्कल में से एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा बेटा। ये y आपको यहां से निकालना है, तो x को इधर ले जाइए, ये स्टेप ध्यान से देखो बेटा, x को इधर ले गए। अब यहां पर आपने करना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 16 का हमने एलसीएम ले लिया, इस 9 को ऊपर ले जाइए, ये 16 जो एलसीएम वाला था ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हमने निकालना है y को, तो इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है बेटा। कितना हो गया, 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया बेटा। ये यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो, लेकिन जब हम एरिया लेंगे तो उसमें क्या होता है आपका, प्लस ही आता है बेटा। यहाँ पर आप 4 लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप पूरे का ले रहे हो, तो 4 यहाँ पर लिख सकते हो आप, शुरू से 4 लेके चलेंगे हम, तो इस 4 से ये 4 कट हो जाएगा बेटा। अब आपका बच गया बाहर 3, और ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका पूरे चैप्टर में यूज होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बाय टू एज इट इज, याद रखो बार बार बोलूंगी मैं, एक्स बाय टू एज इट इज, जो आपका है वैसे का वैसे, एज इट इज का मतलब होता है जैसा है वैसे का वैसे। बीच में यहां पर प्लस लगेगा बेटा, और फिर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाय टू, ये ए स्क्वायर है हमारा, देखो इसको कंपेयर करके, ए स्क्वायर बाय टू 16/2, और यहां लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ए कितना है बेटा हमारा 4, क्योंकि ये ए स्क्वायर है तो ए कितना आ जाएगा 4। ये आपने स्टेप ध्यान से करना है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यही आपका एक ही फॉर्मूला चलेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, x बाय टू एज इट इज, अगर ये y की फॉर्म में लोगे आप तो यहां लिखोगे y बाय टू एज इट इज, ठीक है। प्लस में यहां लिखना a स्क्वायर बाय टू, a स्क्वायर कितना है 16, 16/2 साइन इनवर्स x बाय a, यहां पर इसका रूट लेना है, तो ये आपका आ गया 4। अब समझ में आ रहा बेटा, यहां लिमिट लगा दो 0 to 4। अब इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको दिखेगा इतना बड़ा आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अभी देखना आप, जब आप लिमिट डालोगे इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा, 4/2, यहां कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका 0। और यहां पर आप डालोगे 2 से कट करोगे 8 आ गया, साइन इनवर्स 4/4, ठीक है, ये आया 4/4। अब जब आप नेक्स्ट माइनस 0, 0 से जब लिमिट डालोगे तो ये 0 हो गया, इंटू 0 पूरा 0 हो गया, और फिर इसमें डालोगे तो ये साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है बेटा, 0 होता है, देख रहे हो आप, बिल्कुल इजी बन गया। ये 4 से 4 कट हो गया, साइन इनवर्स 1, अब साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है बेटा, पाई बाय 2, साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, पाई बाय 2 पे, तो यहां आप लिखोगे 3 इंटू 8
और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखोगे पाई बाय 2, 2 से कट कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक इलिप्स या सर्कल आएगा आपका। देखो पहले भी ये इंपॉर्टेंट था लेकिन अब जो आपका एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व हट गया है तो अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन चुका है, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका HW है बेटा, एक्सरसाइज 8.1 का। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 करवा रही हूँ मैं। अब हम करेंगे सिक्स क्वेश्चन है सर्कल का, ठीक है बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। इसमें आपको सर्कल और लाइन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द, किससे घिरा हुआ है बेटा। एक तो हमारी है इनक्लोज्ड बाय द वाई एक्सिस, नहीं है एक्स एक्सिस है, इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई दे रखा है बेटा एंड सर्कल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। ये आपको निकालना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई। ये क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें आपका एक स्टेप बढ़ गया है। अभी तक तो आपको क्या दे देते थे, x आपको सिंपल दे दिया जाता था और इलिप्स में आपने देखा x जीरो रखा तो y की वैल्यू आ गई, y जीरो रखा तो x की वैल्यू आ गई, ऐसे इसमें सर्कल में आ जाएगी। और लाइन जब आपको दे दी गई तो हम एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसका मार्किंग में एक पॉइंट रखा जाता है, 1 मार्क्स रखा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक है बेटा। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अब इसमें हमारे पास क्या लिखेंगे, ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिख रही है, फटाफट से लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4। कैसे पता चला बेटा ये इलिप्स नहीं है, ये सर्कल है, क्योंकि इसके बाय में अगर आप 4 को लाओगे तो ये सेम हो जाता है, एक्स और वाई के नीचे जब सेम हो जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। और जब यहाँ पर डिफरेंट होता है तो वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। अगर वो ना भी लिखे तो आपको पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक ही नंबर होगा और इलिप्स में यहाँ पर डिफरेंट नंबर होगा, ओके बेटा। अब आप लिखोगे फटाफट से दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब सर्कल में क्या क्या लेते हो बेटा, सेंटर क्या आया इसमें, सेंटर आया इसमें 0 0, याद है आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही फॉर्म यहाँ देखोगे आप, कुछ भी नहीं है माइनस में, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये सेंटर क्या हो गया 0 0। और आर कितना हो गया बेटा, यहाँ से आर इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ सेंटर लिख दोगे, रेडियस लिख दोगे, आपका हाफ मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। अब फटाफट से यहाँ पर एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई तो लिख दोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कैसे पता चला ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसमें आपकी दोनों तरफ सिंगल पावर होगी। अभी आपने देखा था बेटा पैराबोला की फॉर्म देखी थी ऐसे, तो पैराबोला में क्या होता है, एक तरफ सिंगल पावर होती है एक तरफ स्क्वायर होता है, वो ऐसे भी दे सकता है आपको, बस आपने ये देखना है एक तरफ सिंगल है एक तरफ स्क्वायर है। तो ये पैराबोला की फॉर्म होती है, लाइन में दोनों तरफ सिंगल पावर होती है, और आपके सर्कल में ये नीचे वाले दोनों सेम होके तो यहाँ एक ही नंबर लिखा जाता है, और इलिप्स में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं। तो ये सारी आपको मैंने क्लियर बातें कर दी है, जो अब तक क्लियर नहीं होंगी तो अब समझ आ जाएंगी बेटा। ये आपकी है दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको मैंने कहा फटाफट से आपने क्या करना है, टेबल बनानी है ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट आए, और उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है बेटा। एक्स वाई देखो इससे बनाते हम, यहाँ पर वाई को जीरो रखिए तो एक्स भी जीरो आ जाएगा,
यहाँ पर y को 1 रखिए तो x आया आपका रूट 3। समझ में आ रहा बेटा? और यहाँ पर अगर आप माइनस 1 रखते हो तो माइनस रूट 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, दो तीन पॉइंट लेके दिखा सकते हो आप। और इसके लिए जब हम बनाएंगे तो इसके लिए कैसे टेबल बनेगी, ये आपको बताया। x को 0 करिए तो y कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, ऐसे y को 0 रखिए तो x आएगा प्लस माइनस 2। अब सर्कल आप सबको बनाना आता होगा, यहां से भी 2 है और यहां से भी 2 है। ठीक है बेटा, आपका दोनों तरफ से 2 है, यहां से भी 2 है, यहां से भी 2 है, यहां से 2 है, यहां से माइनस 2 है। ठीक है, एक तरफ से प्लस होता है और एक तरफ से माइनस होता है। थोड़ा और एग्जैक्ट करते हैं बेटा, ये है आपका सर्कल, थोड़ा बीच में नहीं आ रहा ये, आप देखोगे पॉइंट तो इक्वल दिख नहीं रहा। मैडम कैसे कह रही है, एक तरफ प्लस हो रहा है, एक तरफ माइनस हो रहा है। अब बिल्कुल सही आया बेटा, देखो यहां पर आपका प्लस 2 है, यहां पर माइनस 2 है। ठीक है, अब ये एक्स का है तो वाई को ऐसे लिखेंगे 0 और यहां 0। ये वाई का पॉइंट है तो एक्स को क्या करेंगे बेटा, आगे डालेंगे। ठीक है, 0 2, ये लिखने में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है किस तरह से पॉइंट डाल रही है मैडम। एक्स पॉइंट पे वो पॉइंट आता है, वाई एक्सिस 0 है तो 0 लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे एक्स का पॉइंट 0 होता है तो एक्स को पहले लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था बेटा फटाफट से एक्स और एक्स डैश डालिए, यहाँ पर वाई डालिए, यहाँ पर वाई डैश डालिए, ये फटाफट आपको करना है। अब आपको लाइन भी दे रखी है तो आपने निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ये ध्यान रखना है आपने बेटा, 1 मार्क के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उसके लिए क्या किया जाता है बेटा, ये यहाँ से वैल्यू एक्स की या वाई की इसमें पुट कर दी जाती है। ठीक है, एक्स रूट 3y है तो एक्स स्केयर कितना हो गया, 3y स्केयर, 3y स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू 4, तो 4y स्केयर आ गया बेटा। अब y स्केयर कितना आ गया, 4/4 यानी कि प्लस माइनस 1, तो y आ गया प्लस माइनस 1। अब 1 y 1 है तो x कितना आएगा बेटा, यहां से देखो y 1 है तो x कितना आया, रूट 3। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब माइनस 1 है तो ये क्या आया, ये है आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि कहां पर लाइन इसको टच करती है, कहां पर कट करती है। अब यहां पर आपने x इक्वल टू रूट 3y की क्या डालनी है, लाइन कैसे डालोगे बेटा, इसके लिए भी आप ये टेबल तैयार कर रखी है, तो ये लाइन आपकी ऐसे पास होगी। ठीक है, यहां पर ये है पॉइंट 0 0 और ये है x रूट 3 तो y है 1। यहां देखो ये जो आपका x आ रहा है ये है रूट 3 और ये y है यहां पर 1, तो इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 1। समझ में आ रहा बेटा, x की वैल्यू पहले y की बाद में। ये यहां पर ऐसे इसी तरह से आपका क्या है, यहां पर x की वैल्यू है माइनस रूट 3 और y की है 1 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पॉइंट है, ये लाइन थी आपकी, यहां पर फटाफट से लिख दोगे आपने क्या ड्रॉ किया, x इक्वल टू रूट 3 y, और ये क्या ड्रॉ किया था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 4। जब आप एकदम एग्जैक्ट बनाओगे, सब बातें लिखोगे बेटा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हमने निकालना है रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द सर्कल। ये रीजन आपको दिख रहा है बेटा, ये रीजन जो बाउंड है लाइन से भी और सर्कल से भी, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये भी आपका। ठीक है बेटा, क्या है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये भी, तो केवल हमने यही पार्ट लेना है, ये नहीं लेना, यहां तक ही लेना हमें, तो इसलिए इसमें भी 2 नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये पार्ट जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है,
यहाँ से लिमिट आपकी जीरो से रूट थ्री तक आई और रूट थ्री से टू तक आई, तो दो पार्ट में इसको हम ब्रेक कर देंगे। अब आप देखो जो लिमिट जीरो टू रूट थ्री दिख रही है, ये केवल किसके नीचे का एरिया दिख रहा है, ये लाइन के नीचे का एरिया दिख रहा है, ठीक है। ये लाइन किसकी शेड पड़ रही है, लाइन की। इस रीजन पे किसकी शेड आएगी, लाइन की। और इस रीजन पे किसकी शेड आएगी बेटा, सर्कल की, क्योंकि लाइन तो यहां तक एंड हो गई है, इसके बाद सर्कल की शेड आएगी। तो अब हम इसको टू पार्ट्स में लिखेंगे, कैसे, जीरो टू रूट थ्री, और यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रही है, तो लाइन की वैल्यू डालेंगे यहां से वाई, वाई कितना आ जाएगा, एक्स बाय रूट थ्री। ये ध्यान से देखना बेटा, ये स्टेप जो मैंने करवाया है, ये आपको जीरो टू रूट थ्री दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर लेना इसमें, रूट थ्री से टू तक आपको सर्कल नजर आ रहा है, तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पुट करेंगे, रूट थ्री टू टू। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी बेटा, यहां से वाई स्केयर क्या आएगा, फोर माइनस एक्स स्केयर, तो वाई क्या आ गया, अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्केयर। यहां डालेंगे हम अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्केयर, और यहां पर लिखेंगे dx। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेट करना आपको मैं यहां सिखाती हूं, ये समझ में आ गया बेटा पॉइंट, ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने कैसे लिखा। ये हमारे को यहां पर टू रीजन में डिवाइड होता दिख रहा है, जब भी आपके दो चीजें होंगी तो टू पार्ट्स में कभी तो माइनस आएगा कभी प्लस आएगा, वो आपको आगे समझाएंगे। इस क्वेश्चन में प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग हो रहा है, लाइन अलग हो रही है, सर्कल अलग हो रही है, ठीक है बेटा। दिख रहा है यहाँ पे लाइन की शेड अलग आ रही है और सर्कल की अलग आ रही है, तो ये प्लस में हो गया। कुछ क्वेश्चन आएंगे पैराबोला और लाइन वाले जिसमें क्या होगा, माइनस भी होगा। अब माइनस कैसे होगा वो उस क्वेश्चन में ही मैं आपको क्लियर करूंगी, पैराबोला और लाइन वाले में। यहाँ पिक्चर देख सकते हो आप बेटा, अभी वैसे रफली मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे ये है आपका पैराबोला और ये है आपकी लाइन, तो ये जो शेडिड हो रहा है लाइन से कर्व, यहाँ पर देख रहे हो आप एरिया जो शेडिड हो रहा है, ये लाइन का और कर्व का मिक्स हो रहा है, यहाँ पर लाइन और सर्कल का अलग अलग हो रहा है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे बेटा, ठीक है, और लिमिट इसमें सेम ही रहेगी, क्योंकि पूरा एरिया जो है दोनों में सेम लिमिट का होगा, ठीक है। तो लिमिट सेम होगी तो माइनस लगाना है, क्योंकि हमें निकालना दोनों से इंक्लूडेड। अब लाइन से इंक्लूड होगा बेटा यहां तक, लाइन से जो शेड आएगी वो यहां तक आएगी, और फिर पैराबोला से यहां तक आएगी। अब इस पूरी शेडेड में से इस हिस्से को घटा देंगे तो ये वाला फाइंड हो जाएगा, ये एरिया हमें फाइंड करना होता है दोनों से जो कर होता है, ठीक है, दोनों में जो इंक्लूड होता है। समझ में आया बेटा, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो और क्लियर कर दूंगी। यहां पर आपका ये अलग अलग नजर आ रहा है तो ये हमने प्लस किया। अब इसको क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करना देखिए, बिल्कुल ईजी है। वन बाय रूट थ्री को ए लिख सकते हो आप, यहां वन बाय रूट थ्री को आप बाहर निकालिए, x को सिंपल कैलकुलेट करना, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट डाल दीजिए जीरो टू रूट थ्री, प्लस में इसका फॉर्मूला पूरा लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में, x बाय टू एज इट इज, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए कितना है टू, इसके ऊपर लिमिट डालोगे रूट थ्री टू टू। अब ये देखो बेटा कैसे कैलकुलेट होगा, वन बाय रूट थ्री और यहां पर रूट थ्री डालोगे तो स्केयर करोगे तो थ्री हो गया, थ्री बाय टू आ गया, माइनस जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हो रहा है बेटा। इस पार्ट में देखो कैसे डालोगे, एक्स बाय टू यहां पर डालना टू बाय टू और यहां डालोगे टू, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, फोर माइनस फोर जीरो हो गया बेटा, यहां डालोगे टू बाय टू तो वन हो गया, फोर बाय टू साइन इनवर्स वन, ठीक है। अब इसको डाल के देखो, यहां डालोगे रूट थ्री बाय टू, फोर माइनस रूट थ्री का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा,
यहां पर आपका आ गया रूट थ्री बाय टू। अब माइनस में क्या आया बेटा, देखो यहां पर माइनस क्यों डाल रहे हैं हम, यहां पर भी डालोगे आप ये माइनस लगेगा क्योंकि लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट के लिए माइनस लगता है बेटा, बार बार आपको बताया। तो यहां माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे, तो ये कट के आ रहा है आपका टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू। ठीक है, अब ये रूट थ्री बाय टू कितने पे वैल्यू होती है बेटा, 60 पे, 60 को हम लिखते हैं पाई बाय थ्री। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया आपका थ्री बाय टू रूट थ्री, रूट थ्री का कर देंगे बेटा रैशनलाइजेशन, सबको आता है करना। ठीक है, इस रूट थ्री से थ्री बन जाएगा, ये कट हो गया तो ये बन गया रूट थ्री बाय टू, और ये है माइनस रूट थ्री बाय टू, ये इससे पूरे से कट हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम क्या करें बेटा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ये समझ में आ गया होगा, हटा दे। यहां कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा इसको, ये आपका हो गया रूट थ्री बाय टू, कैसे करा मैंने, रूट थ्री को रैशनलाइज कर दिया, बाय में टू है, इस तीन से ये पूरा कट हो जाएगा बेटा, प्लस में देखो ये आपका जीरो है यहां पर, और ये इधर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री बाय टू। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फोर बाय टू, कट होके टू आ गया, साइन इनवर्स वन कितना होता है बेटा, पाई बाय टू, और ये देखिए ध्यान से टू इंटू रूट थ्री बाय टू कितने होता है, 60 पे, 60 को हम लिखते हैं पाई बाय थ्री। ठीक है बेटा, ये इससे कट कर दीजिए, रूट थ्री बाय टू से कट हो गया, ये आपका आया इससे कट हो गया, ये बचा पाई माइनस टू पाई बाय थ्री, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा बेटा, थ्री पाई माइनस टू पाई, तो कितना बन गया पाई बाय थ्री, थ्री पाई माइनस टू पाई, वन पाई बाय थ्री, तो यहां लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा के रिस्पेक्ट करते रहिए, बाय बेटा।